नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है हिस्ट्री विद बिष्णु। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक सिविलाइजेशन के ऊपर, और वैदिक सिविलाइजेशन से कौन से हुए क्वेश्चंस है जो हमें 2019 के नीट या सेट एग्ज़ाम में रटना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमें बहुत सारी मदद मिलने वाली है। तो चलिए आइए डायरेक्टली देख लेते हैं वो सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले नदियों से। दोस्तों ऐसा एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मिलाप करना होता है कि मॉडर्न नेम क्या है और ऋग वैदिक सोर्स में उसका नाम क्या था और उसका अभी मॉडर्न नेम क्या है। तो चलिए आइए जान लेते हैं। दोस्तों जो मॉडर्न नेम, जिस नदी का नाम झीलम है, झीलम जिसका मॉडर्न नेम है, ऋग वैदिक सोर्सेस में उसका नाम बितस्ता था और वही ग्रीक सोर्सेस में उसको हाइड्रोटेस कहा गया है। झीलम जो अभी का नेम है, ऋग वैदिक सोर्स में बितस्ता और ग्रीक सोर्सेस में हाइड्रोटेस कहा गया है। और उसके बाद चेनब जो नदी था, चेनब नदी का जो ऋग्वेदिक नाम हमें मिलता है वो है अस्किनी और ग्रीक सोर्सेस में उसको कहा गया है हाइड्रासेफिस। राभी नदी का वैदिक एज में नाम था पुरुषनी और ग्रीक सोर्सेस में उसको हाइफासिस बताया गया है। और उसके बाद ब्यास जो नदी था, ब्यास नदी का जो ऋग्वेदिक नाम था वो था विभाषा और उसको ग्रीक सोर्सेस में असी अक्सिंस कहा गया है। और उसके बाद शतुद्री जो मॉडर्न नेम है उसका वैदिक नाम था सुतलेज। जो घाघर नदी मॉडर्न नेम है इसका, उसका वैदिक नेम था दृशावती। और नदी तरना जो कि होलीएस्ट रिवर माना जाता था उस टाइम पे, तो उसका वैदिक नाम था सरस्वती, जो सबसे होली रिवर था। और उसके बाद गंडक जो मॉडर्न नेम है इसका, गंडक का वैदिक नाम था सदानीला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो ऋग्वेदिक एज में हमें 10 राजाओं के युद्ध के बारे में पता चलता है वो कहाँ से पता चलता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। क्योंकि इस बार का अगर दिसंबर NTA NET का जो एग्ज़ाम था उसमें बहुत सारे ऐसे किस्से बताए गए थे, कहानी बताए गए थे जिनका सोर्स हमें पूछा गया था। तो 10 राजाओं का जो युद्ध था, दसराजन वॉर, ये मेंशन है ऋग्वेद के 7वें मंडल पे, 7th मंडल ऋग्वेद के 7वें मंडल पे ये मेंशन है 10 राजाओं का जो युद्ध था उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में कौन से राजाओं के नाम हमें मिलते हैं वो देख लेते हैं। जो नाम मिलते हैं हमें राजाओं के, दिवदास, पिजवन, सुदास, दुर्ग्रह, गिरीक्षित और पुरुक्तस। उसके बाद और भी हमें कई राजाओं के नाम मिलते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत ही, मतलब एक फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि पंचजना, इनमें से कौन कौन से पंचजना में है या पंचजना में नहीं है। तो इसके लिए हमें जानना है कि पंचजना किसे कहा जाता है। दोस्तों 5 ट्राइब्स मिलके ये पंचजना बनते हैं, 5 जन का मिलाप से बनता है ये पंचजना। तो आइए देख लेते हैं कौन से वो 5 ट्राइब्स है। आर्यन ट्राइब 5, जिनको पंचजना कहा जाता है, पुरु, यनु, यदु, पूर्वस और द्रुहु। इन 5 आर्यन ट्राइब को मिला के बनता है पंचजना, पुरु, यनु, यदु, तुर्वस और द्रुह। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों इनमें से, कि विश्वामित्र ग्रुप किसे कहा जाता है। तो पंचजना के जो 5 ट्राइब है, इन 5 को मिला के और भी 5 राजा जो कि नॉन आर्यन ट्राइब से है, जैसे अतिन, पक्त, बोलांस, शिवा और बिसानीला, तो ये जो 10 राजाओं का एक ग्रुप है इसे विश्वामित्र ग्रुप भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अभी सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं 2019 में। प्रॉपर्टी गेन बाय वॉर वाज कॉल्ड, तो जो प्रॉपर्टी हासिल करते थे वैदिक एज में जो ट्राइब्स थे, तो उसे क्या कहा जाता था, तो उसे लवन्नम कहा जाता था। युद्ध से मिले हुए प्रॉपर्टी को लवन्नम कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विश्वामित्र ग्रुप वॉज फॉट अगेंस्ट, तो जो ये 10 राजाओं का विश्वामित्र ग्रुप था, तो ये किसके अगेंस्ट युद्ध में लड़े थे, तो ये सुदास जो कि भरत ट्राइब से बिलोंग करते थे, इनके अगेंस्ट इन्होंने युद्ध किया था। और उसके बाद 10 राजाओं का वॉर प्लेड इन द बैंक्स ऑफ, तो 10 राजाओं का ये जो युद्ध था ये राभी नदी के तट पर हुआ था, जिसका वैदिक नाम था पुरुषनी। उसके बाद इन द 10 राजाओं का वॉर विच किंग जम्प्ड इन द रिवर रावी एंड गेव हिज लाइफ, तो 10 राजाओं के युद्ध के दौरान कौन सा वो राजा था जो रावी नदी में गिर के अपने प्राण त्यागते हैं, तो ये किंग ऑफ द्रुह, द्रुह ट्राइब के जो किंग थे
इनके साथ ये घटना हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। विच ऋग्वेदिक किंग डिफीटेड 10 किंग एंड मेक देम स्लेव टू हिज प्रीस्ट एज गिफ्ट। तो कौन से वो ऋग्वेदिक राजा थे जिन्होंने 10 राजाओं को हराकर अपने प्रीस्ट को एज ए गिफ्ट के तौर पे दिया था उनको स्लेव बनाकर। तो ये थे किंग ऑफ चेदी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हु स्टिल अनमैरिड फॉर ऑल ऑफ हिज लाइफ कॉल्ड। तो जो अपनी पूरी जिंदगी विवाह नहीं करते थे उनको कहा जाता था अनायु। जो अपनी सारी जिंदगी अविवाहित गुजारते थे उनको कहा जाता था अनायु। जैसे कि अपाला जो थे इनको अनायु कहा जाता था। उसके बाद हु सोल्ड हिज सन सनासेट टेकन बाय 100 काउस। तो एक ऋग्वेदिक काल में एक राजा थे जिन्होंने अपने सन को मतलब अपने औलाद को बेचा था तो 100 काउ के बदले। तो ये थे अजीगत। ये भी जनरल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे तो ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा 2019 के नीट या सेट एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। विच गैम्बुलर लॉस्ट हिज सन। तो ये ऋग्वेदिक काल में दोस्तों जो गैम्बलिंग था ये बहुत ही ज़ोरों शोर पे था। तो एक ऐसे भी गैम्बुलर थे जिन्होंने अपने पुत्र को ही बेच डाला था, जुए में हार गए थे। तो इनका नाम था रिजस। उसके बाद हाउ मेनी सन्स विश्वामित्र थ्री फ्रॉम हिज हाउस। तो एक वाकया था ऋग्वेदिक काल में कि विश्वामित्र ने अपने घर से अपने संतानों को मतलब निकाल दिया था। तो उन्होंने अपने 50 संतानों को घर से भगा दिया था। और उसके बाद प्लाव इज कॉल्ड, ऋग्वेदिक काल में प्लाव को सिर कहा जाता था, सिर। और आयरन को कहा जाता था ऐश। ऋग्वेदिक काल में आयरन वॉज कॉल्ड एज ऐश। दिन आगे बढ़ते हैं। लाइन ऑफ प्लाव फील्ड वॉज कॉल्ड। जो मतलब फील्ड से जो प्लाव की जो रेखा बनती थी खेत में तो उसे कहा जाता था सीता। और इसी से रामचंद्र जी के जो पति है उनका नाम सीता ऐसे ही पड़ा था। और उसके बाद वाटर ब्रिंगिंग बाय इरिगेशन वॉज कॉल्ड। जो इरिगेशन से जो पानी मिलता था उसको कहते थे खनित्रिमा तपा। खनित्रिमा तपा मतलब जो वाटर इरिगेशन के द्वारा मिलता था। और उसके बाद पुरुचरिष्णु का मतलब क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है पुरुचरिष्णु। तो इसका मतलब है यूज़ ऑफ डिस्ट्रक्टिव मशीन, जो रथ से छोड़ा जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो ऋग्वेदिक कालीन वुमेन जो है, ऋग्वेदिक काल में कौन से नारियों के बारे में हमें पता चलता है और लेटर वैदिक काल में कौन से नारियों के बारे में हमें पता चलता है। तो ऋग्वेदिक काल में अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, शिक्ता और निबाबाड़ी, इन महिलाओं के नाम हमें पता चलते हैं। और लेटर वैदिक काल से दोस्तों मैत्रेयी, वेदावती, शुभला, ककतिनी और कत्तायनी, तो इन नारियों का नाम हमें लेटर वैदिक काल से पता चलते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंदि शतपथ ब्राह्मण वुमेन वर कॉल्ड अर्धांगिनी। जो स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है इसका पहला मेंशन हमें देखने को मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। उसके बाद ऐतरेय ब्राह्मण मेंशन दैट वुमेन इज कॉज ऑफ ऑल माइजरी। तो वुमेन जो हैं वो सभी दुख के कारण वुमेन है, नारियां स्त्रियां सभी दुख का मूल कारण है, ये ऐसा कहा गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। और उसके बाद कन्वर्सेशन ऑफ गार्गी एंड उद्दालक मेंशन इन छांदोग्य उपनिषद। जो गार्गी एंड ऋषि उद्दालक का जो कन्वर्सेशन है ये छांदोग्य उपनिषद में इसका मेंशन पाया गया है। आगे बढ़ते और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। थिंग्स नॉट मेंशनड इन ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में कौन से ऐसे वो चीज़ है जिनका मेंशन नहीं है, जिनका मेंशन ऋग्वेद में नहीं है। वृंदा पर्वत, इसका मेंशन ऋग्वेद में नहीं है। नर्मदा नदी, इसका मेंशन भी ऋग्वेद में नहीं है। सॉल्ट, नमक, इसका मेंशन नहीं है। राइस, चावल, इसका मेंशन नहीं है। फिश, मछली और टाइगर, इन चीज़ों का मेंशन ऋग्वेद में कहीं पे नहीं पाया गया है। और उसके बाद ऋग्वेद में हिमालय का एक रेंज का नाम जो मेंशन है वो मुंजवन। द माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयस मेंशनड इन ऋग्वेद वॉज मुंजवन, जहाँ से जो सोमा वो मिलता था। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। रिवर यमुना का मेंशन कितने टाइम हुआ है ऋग्वेद में, 3 times, 3 बार यमुना का मेंशन हुआ है ऋग्वेद में।
और गंगा नदी का मेंशन हुआ है एक ही बार, वंस, गंगा मेंशन्ड इन ऋग्वेद वंस। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, जो ऋग्वेदिक गॉड्स है इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार, तो गॉड्स के पॉपुलरिटी के हिसाब से हम लोग देखेंगे। जो इंद्रा, इनका मेंशन है 289, मतलब 289 ह्यूम्स इनके ऊपर है। अग्नि के लिए ह्यूम्स यहाँ पे ऋग्वेद में है 218, और सोमा के लिए 123, और वरुण के लिए 46। तो ये पॉपुलरिटी के हिसाब से ये गॉड्स है, ऋग्वेदिक गॉड्स पहले पॉपुलर है इंद्र, उसके बाद अग्नि, उसके बाद सोमा एंड उसके बाद वरुण। और इनके बीच में सोमा के आगे भी जो कुछ है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है उतने। तो और भी दो गॉड्स हैं जिनके लिए ह्यूम्स है बहुत सारे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर यहाँ से गॉड्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो इंद्र, अग्नि, सोमा, वरुण, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद पॉलिटिक्स देखते हैं थोड़ा सा, ऋग्वेदिक काल में पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स के लिए जो संगठन था कुला, कुला से बनते थे ग्राम, ग्राम से बनते थे एक विष, और बहुत सारे विषयों को मिला के बनता था एक जन या जनपद। ओल्डेस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ वैदिक एज वाज विधाता, जो सबसे पुराना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था वैदिक एज का वो विधाता था, जहाँ पे सोशियो रिलीजियस डिस्कशन होते थे। और उसके बाद सभा और समिति नाम के दो इंस्टीट्यूशन के बारे में हमें पता चलता है। जो सभा में जो काम होता है, पेस्टोरल अफेयर्स एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, तो सभा का काम होता है जो पशुचारण के या खेती, पशुचारण के ऊपर ही इनका डिस्कशन होता है। और जो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन है ये सभा के द्वारा किया जाता था उस टाइम पे। और ये जो सभा है ये स्मॉल एरिस्टोक्रेटिक बॉडी है, सभी का यहाँ पे जो प्रवेश था ये नहीं था, ये बहुत ही कुछ जो वयोज्येष्ठ होते थे उनका ये इंस्टीट्यूशन था। और वुमेन जो थे वो जो सभा में रहते थे उनको कहा जाता था सभापति। जो वुमेन, जो महिलाएं सभा में पार्टिसिपेट करती थे उनका, उनको कहा जाता था सभापति। और समिति देख लेते हैं थोड़ा सा, समिति यहाँ पे जो मेन एक फंक्शन इसका था कि राजन वाज इलेक्टेड एंड री इलेक्टेड बाय दिस, तो समिति में ही राजन का, राजा का जो चुनाव है ये समिति में ही होता था। और समिति का और एक इम्पॉर्टेंट काम था जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉर प्रॉपर्टी, वॉर प्रॉपर्टी के हम लोगों ने जाना कि लमन्नम कहा जाता था उसको, जो युद्ध के दौरान जो संपत्ति मिलती थी, तो जो लमन्नम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे किस तौर पे होगा इसका डिस्कशन समिति में किया जाता था। तो 2019 नीट के लिए दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस थे, जो आई होप अगर आप लोगों ने इसको रट लिया तो इस टॉपिक के लिए आपको मतलब कोई क्वेश्चन आएगा तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में छूटने के चांसेस बहुत ही कम है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।